हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो एक जो है पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन में इंक्लूड होती है। पॉली हर्बल कहने से हमारा मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी हर्ब ऐसी मेडिसिन जिसके जो है कंटेंट्स की काफ़ी नंबर ऑफ कंटेंट्स जो हैं ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ पर जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं वो भी पॉली हर्बल है, तो इसके जो मेन बेनिफिट हैं वो वात विकार के लिए बताए गए हैं। वात विकार कहने से हमारा मतलब, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि वायु का मुख्य कारण जो है आपके शरीर में को जो है पूरे सिस्टम को चलाने का काम होता है, लेकिन कभी किसी कारण से वो वायु अगर कहीं रुक जाती है, चाहे वो आपके जॉइंट्स में रुक जाए तो जॉइंट पेन करती है, पेट में रुक जाए तो पेट में दर्द करती है, या आपकी नसों में रुक जाए तो आपके खून का दौरा प्रॉपर से उसमें नहीं चल पाता है। तो बेसिकली इस मेडिसिन का काम भी जो है आपके वात विकारों को शांत करने का है। तो फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं इस मेडिसिन की जिसका नाम है अजमोदा आदि चूर्ण। तो फ्रेंड्स, चूर्ण की चर्चा करने से पहले एक बार एक कॉमन बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं उन मेडिसिन से जिन मेडिसिन के कंटेंट्स को आप आसानी से पंसारी से या आपको जहाँ भी अवेलेबल हो वहाँ से इसको कलेक्ट कर सकते हैं उन कंटेंट्स को, और आसानी से वो दवा घर पे बना सकते हैं। मतलब कि इन कंटेंट्स को इकट्ठा करके दवा बनाना बहुत इजी है, और इसीलिए स्टार्ट में हमने वही मेडिसिन ली हैं जो फ़ायदा भी ज़्यादा देंगी और आप आसानी से उनको घर पे बना के स्टोर कर सकते हैं। तो चूर्ण बनाने का कॉमन फॉर्मूला रहता है सभी मेडिसिन चूर्ण के लिए, चाहे उसके कंटेंट ज़्यादा हो या कम हो। तो यहाँ पे यही है कि इन कंटेंट्स को आप इकट्ठा करके चूर्ण बना लें, और चूर्ण बना करके इनको अलग अलग कंटेंट्स को चूर्ण बनाएं पहले आप, उसके बाद उनको कपड़ छान कर लें, मतलब एक सॉफ्ट कपड़े में से आप उसको छान लें, क्योंकि अगर आप उसको छानेंगे नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई मोटी गांठ रह जाएगी, तो आपको लेने में उसको इजी नहीं होगा। और वो सब छान के आप सारा पाउडर इकट्ठा मिक्स कर लेंगे और उसको एक एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे। तो इसी तरीके से अजमोदादि चूर्ण भी बनेगा, लेकिन अजमोदादि चूर्ण को बनाने के लिए पहले हमें उसके कंटेंट देख लेने चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, पहले इसके कंटेंट देख लेते हैं। तो अजमोदादि चूर्ण के कंटेंट्स, जैसे कि हमने बताया कि लिमिटेड कंटेंट हैं, तो इसमें जो है लगभग 12 कंटेंट इस्तेमाल होते हैं, और उसको बनाने का तरीका भी यही है कि इक्वल मात्रा में हमने उसका हर एक कंटेंट लेना है। मान लीजिए 12 कंटेंट इसके बताए गए हैं, तो हर एक कंटेंट को अगर आप 20 ग्राम की मात्रा में भी लेते हैं तो लगभग 250 ग्राम के करीब आप चूर्ण जो है बना पाएंगे कंटेंट्स की मात्रा के हिसाब से। तो कंटेंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि इस चूर्ण का नाम अजमोदा आदि चूर्ण है, तो सबसे पहला कंटेंट इसका अजवाइन ही है। अजवाइन के बाद जो कंटेंट है उनकी बात करते हैं, उसके बाद इसमें वायविडंग आता है। वायविडंग के साथ आप इसमें सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, देवदारू का भी को भी आपने इक्वल क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ मूल हैं जिनको हम चित्रक मूल कहते हैं, पीपली मूल का इस्तेमाल होता है, इसके बाद पीपली का इस्तेमाल होता है, और कुछ और कंटेंट के नाम इसमें साथ में जो मैं गिनवाना चाह रही हूँ वो है कि सौंफ का इस्तेमाल होता है, काली मिर्च, इसके बाद हरीत की, वृद्धदारू और सौंठ। इस प्रकार से आप काउंटिंग में देखेंगे तो ये 12 कंटेंट हो गए, और इन सभी कंटेंट को हमने अलग अलग पाउडर कर लेना है। पाउडर करके, जैसे कि मैंने बताया, चूर्ण बनाने के लिए उनको कपड़ छान करके आपने उनको सबको एक साथ मिक्स करके रख लेना है। तो फ्रेंड्स, ये औषधि जैसे कि मैंने कहा मुख्य रूप से वात विकारों के लिए लाभदायक है, लेकिन वात के साथ आपके ये कफ दोष को भी बैलेंस करता है। लेकिन छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि आपके पित्त दोष को बढ़ाता है, इसलिए पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए इसके साथ एक अन्य औषधि जिसका नाम एविपत्ति का चूर्ण है, उसके साथ हम अजमोदादि चूर्ण का इस्तेमाल कराते हैं। तो ये दोनों चूर्ण मिल करके बहुत अच्छा काम करते हैं, और हमें हमारे वात पित्त और कफ तीनों दोष को ही बैलेंस करते हैं जब हम दोनों औषधियाँ एक साथ में इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज अजमोदादि चूर्ण का काम वात और कफ दोष को शांत करने का है। अब फ्रेंड्स, इसकी डोज की बात करें तो अजमोदादि चूर्ण की डोज 1 से 4 ग्राम सुबह शाम आप जो है थोड़ा, जैसे कि कल हमने अनुपान की बात की थी, तो अजमोदादि चूर्ण का अनुपान थोड़ा कोसा पानी रहेगा, आप उसको कोसे पानी के साथ में खाने के बाद एडल्ट्स में जो की ये डोज है
उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक बच्चों की बात की जाएगी, बच्चों के मामले में डोज़ कम हो जाएगी, वो डोज़ 500 mg से लगभग 1 ग्राम, मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 1/4 मेडिसिन हो जाएगी बच्चों के लिए। वही उसको भी थोड़ा अपने कोसे पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये रही फ्रेंड्स डोज़ की बात। अब हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स जान लेते हैं कि कौन सी बीमारियों में आपके लिए ये औषधि फ़ायदा करेगी। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि वात विकारों की बात हुई, और साथ में क्योंकि ये कफ दोष को भी बैलेंस कर रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जिस बीमारी पे ये काम करती है वो बीमारी है गठिया, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। और आयुर्वेद की भाषा में गठिया को आम वात कहा गया है, और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। आयुर्वेद में जैसे कि मैंने कहा कि आम वात है, और आम वात इंडिकेट कर रहा है वात और कफ दोष की दृष्टि। तो क्योंकि अजमोदादि चूर्ण का काम है कि हमारे बॉडी में डाइजेशन को बढ़ा करके टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देना, तो जो औषधि डाइजेशन को इम्प्रूव कर रही है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन निकाल रही है, वो हमारे जोड़ों में जमा हुए वात और कफ दोष को भी डिजॉल्व करने का काम करेगी। और इस प्रकार से अजमोदादि चूर्ण में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये औषधि देती है। दूसरे फ्रेंड्स एक और बीमारी आपने नाम सुना होगा जिसको हम साइटिका कहते हैं। साइटिका बेसिकली एक जो हमारी साइटिक नर्व होती है जो हमारे लेग में रहती है उसका खिंचाव होती है, और इस नर्व में जब खिंचाव हो जाता है तो आपके लिए उठना बैठना चलना सभी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो इस बीमारी के लिए भी अजमोदादि चूर्ण बहुत ही कारगर औषधि है। तो आप साइटिका के लिए भी अजमोदादि चूर्ण का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरा फ्रेंड्स गठिया के अलावा किसी भी प्रकार के वात दोष में, गठिया की हमने जैसे कहा कि गठिया इम्पॉर्टेंटली गठिया में काम करता है, लेकिन किसी भी प्रकार के वात विकार जैसा कि जिस भी वात विकार में मतलब जोड़ों का दर्द किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हम उसको बोलते हैं, बैक एक हो, या गाउट की समस्या हो जो दर्द आपके पैर के अंगूठे से चलता है, उसमें दर्द और सूजन की किसी में भी दिक्कत होगी तो वहाँ पे आप अजमोदादि चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि हमारी डाइजेशन को ठीक करके जब वात विकार ठीक होते हैं तो वो परमानेंट ठीक होते हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने पेन किलर खाया, आपको 1 घंटे के लिए आराम हुआ, उसके बाद से फिर से आपकी समस्या शुरू हो गई। तो बेसिकली ये आपके रूट कॉज को दूर कर रहा है, तो इसलिए आपके कोई भी वात विकार के लिए बहुत ही काम की औषधि है, खास तौर से आपके जोड़ों के दर्द चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो। लास्ट में फ्रेंड जैसे कि मैंने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, तो ये आपकी भूख ना लगने की समस्या हो, आपकी डाइजेशन कमज़ोर हो, आपके पेट में दर्द हो, इन सब समस्याओं के लिए कारगर औषधि है। तो आप ज़रूर अपनी डाइजेशन संबंधी समस्याओं के लिए भी अजमोदादि चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि अजमोदादि चूर्ण कितना फ़ायदेमंद औषधि है आपके वात विकारों के लिए, तो आप उसका ज़रूर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रिकॉशन की बात हम कर लेते हैं। प्रिकॉशन के नाम पे सबसे पहले हम प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करेंगे यूज़ करना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग हर्ब्स हैं जो प्रेगनेंसी में आपको नुकसान कर सकती हैं। तो प्रेगनेंट लेडीज़ प्लीज़ इसका इस्तेमाल ना करें। हाँ, लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, जो उनका इनिशियल पीरियड होता है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी डिलीवर होने के बाद आपको पेट में दर्द है, आपका जो शरीर में वायु बच्चा पैदा होने के बाद बढ़ जाता है, उसको भी आपने शांत करना इम्पॉर्टेंट होता है, और अपने शरीर के दर्द को भी मिटाना है। तो आपका जो प्रेगनेंसी का इनिशियल पीरियड डिलीवरी के बाद का इनिशियल पीरियड है उसमें जो है ज़रूर लैक्टेटिंग मदर्स इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और बच्चों में जैसे कि हमने डोज बताते हुए कहा ही था कि बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी डोज इसमें 1/4 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप इन सभी सावधानी का ध्यान रखते हुए ज़रूर अजमोदादि चूर्ण के फ़ायदे उठा सकते हैं। आप उसको ज़रूर अपने घर में बना के रखें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं और इसके सभी हेल्थ बेनिफिट्स को ले सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की मेडिसिन की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।